सभी को मेरा नमस्कार सबसे पहले तो आज इस खुशी के पल में आज इस ऐतिहासिक दिन आज मेरे जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण दिन है साथियों आज इस खुशी के पल में मैं आज परम पिता परमेश्वर को ऊपर वाले को जिन्होंने मुझे इस धरती पर भेजा है इंसान बना करके इंसान की योनी में प्रवेश करवा करके मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि कहते हैं ना चौरासी लाख योनी में प्रवेश करने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है तो ऐसा जीवन दिया ऊपर वाले ने मनुष्य जीवन तो उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और बारंबार धन्यवाद करता रहूंगा साथियों दिल से धन्यवाद कहते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे ही नहीं भेजा आज मेरे से पहले कई सारे ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को इस धरती पर भेजा जिनकी वजह से आज मेरा जीवन बदला साथियों, आज और वो श्रेष्ठ आत्माएं पता नहीं आप किस रूप में देखते हैं कहते हैं ना भगवान को किसने देखा है भगवान को किसी ने नहीं देखा लेकिन मैंने देखा है मैंने देखा है भगवान तो दिखते किसी को नहीं है भगवान के स्वरूप को देखा जा सकता है आज भगवान को स्वरूप के रूप में आज भगवान के रूप में इस फ्रंट लाइन पे जितने भी हमारे गुरुदेव बैठे हैं वो भगवान से कम नहीं है मैं इनको झुक करके सजदा करता हूं झुक करके सजदा करता हूं कहते हैं आज इनकी वजह से आज मामूली सा लड़का मामूली सा लड़का आज इस हॉल में खास बन चुका है एक मामूली सा लड़का आज इनकी वजह से मैं इन गुरुओं के लिए मैं चाहूंगा अब तक की सबसे धमाकेदार जोरदार ताली होनी चाहिए साथियों थैंक यू साथियों जितना धन्यवाद कहूं उतना कम होगा आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से गुरुओं के आशीर्वाद से यह जीवन देखने को मिला है मुझे और मेरे परिवार को कहते कोई भी कामयाबी को लोग कहते हैं कि मेरी यह कामयाबी मैंने खुद अपनी बदौलत हासिल की है कोई भी कामयाबी इंसान अपनी बदौलत हासिल नहीं कर सकता है जब तक जब तक सारी श्रेष्ठ आत्माएं मिलती नहीं है जब तक सारी सारे लोग मिलते नहीं है आज मेरी कामयाबी का राज ऊपर वाला तो है ही और फ्रंट लाइन पे जितने हमारे गुरुदेव बैठे वो तो है ही आज आज इस कामयाबी का पूरा का पूरा अगर श्रेय जाता है तो आज मेरी प्यारी सी दमदार सी टाइगर टीम को जाता है मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली बजाए जोरदार ताली थैंक हो, हो, हो। यू आज ये मेरा डायमंड मेरा सम्मान ये मेरा नहीं है साथियों भले ही मुझे इस मंच पर खड़ा कर दिया गया हो लेकिन यह सम्मान यह डायमंड का ताज यह डायमंड का पट्टा जो भी है आप सभी लोगों का है आप सभी लोगों का है साथियों आप लोगों को दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिल से धन्यवाद और क्रेडिट जाता है मेरे परिवार को जिन्होंने मेरा पग पग में साथ दिया हर मुश्किल घड़ी में, में मेरा साथ छोड़ा नहीं चाहे वो तन से हो चाहे मन से हो चाहे धन से हो हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता साथियों आज परिवार के साथ की बदौलत माँ बाप के आशीर्वाद के बदौलत कहते हैं इस धरती पर भगवान जो होते हैं माँ बाप के रूप में होते हैं माँ बाप का अगर आशीर्वाद किसी भी कार्य में मिल जाए वो सफल होना उसकी सफलता की उसमें मोहर लग जाती है तो माँ का आशीर्वाद इस कार्य में मिलता रहा मम्मी का आशीर्वाद भाइयों लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा उनको भरोसा तो नहीं था कि कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है लेकिन वो विरोध नहीं किए कभी सहयोग किए शुरुआत में थोड़ा सा विरोध किए उसके बाद लगातार सहयोग किए और आज ये दिन देखने को मिला साथियों आज परिवार के साथ की वजह से कहते हैं अगर परिवार का साथ अगर नहीं हो तो कामयाबी नहीं मिल सकती है सबसे बड़े सफलता में अगर कोई दखल अंदाजी करता है तो वो है परिवार के लोग आज मेरे परिवार का पूरा भरपूर सहयोग मिला शुरुआती दौर में जब मैं बिजनेस ज्वाइन ही किया था और इस काम को करने का निर्णय लिया था तो मेरी शादी हो गई थी तो मैं इस काम को करने के लिए बाहर जाता था घर में मां पत्नी रहती थी भाई साहब मेरे बाहर रहते थे माँ का सहयोग तो मिला ही मिला साथ में हमारी पत्नी का भी सहयोग मिला जो अकेले घर में रहकर के अपना जीवन व्यसर करती थी मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं कोटि कोटि धन्यवाद थैंक यू साथियों आज मैं फिर से कहना चाह रहा हूं आज जो भी ये समय ये पल मुझे मिल रहा है ये इसका सारा का सारा श्रेय सभी को जाता है साथियों साथियों छोटा सा परिचय है ज्यादा बड़ा परिचय नहीं है और आज ज्यादा बात कहूंगा नहीं क्योंकि आज सीखने की बारी है और आज हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु आज इस मंच पर इस मैं बहुत ही लकी हूं कि आज इस मीटिंग में वो मौजूद है मैं हमेशा सोचता था कि सर आएंगे कि नहीं आएंगे क्योंकि सर का मैं बड़ा फैन हूँ आज मैं डायमंड बना हूं तो सर की बातों को सुनकर के ही आज मैं आज से लगभग साढ़े चार साल पहले मैं इस हॉल में आया था पीछे खड़ा था और सर को मैंने देखा था सर के साथ मैंने सेल्फी भी लिया था पहली बार मैं इस हॉल में प्रवेश किया था डायमंड शिप को देखने वो तारीख थी इकतीस मार्च दो और सर की बात को सुनकर के मैंने उस दिन मुट्ठी बांधी थी सर की एक बात मुझे लगी और मैं उस दिन फैन हो गया सर का और सर को नमस्ते मस्तक कर दिया और सर को फॉलो करने लग गया सर की बातों को सुनने लग गया और आज कहते हैं ना जब किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात लग जाती है उसे मिलाने के लिए मैं दिल से चाहता था कि मेरी डायमंड का मैं सर का आशीर्वाद मिले और सर आज मौजूद हैं मैं सर को कोटि कोटी धन्यवाद करता हूं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं साथियों नाम मेरा अंशु अग्रवाल है रहने वाला मैं बेगूसराय का हूं और बहुत सारी जानकारी आपको डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मिल गई होगी मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा बस यही बताना चाहूंगा एक छोटा सा मोबाइल शॉप का दुकानदार था जीवन चल रहा था दुकान से दस पंद्रह हजार महीना कमा रहा था जिस ये अवसर मेरे जीवन में अगस्त 2015 में आया एक शख्स के माध्यम से उन्होंने कहा कि अंशु तुम जीवन में बहुत सारे काम किए हो एक ये काम करके देख लो हो सकता है तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए और मैं वह सर की बात को मान करके एक शॉपिंग कर लिया एक शॉपिंग कर लिया, भरोसा हुआ, तो के के हुआ नहीं बस सर को की बात मान करके एक शॉपिंग कर लिया बात मानने की भी मजबूरी थी सर का होलसेल का काम था सर भी मोबाइल दुकानदार थे मैं भी मोबाइल दुकानदार था और उनसे उनके दुकान से मेरे दुकान में गुड्स आते थे और वो उधार दे दिया करते थे तो उनकी बात को मानना मेरी मजबूरी थी और एक शॉपिंग कर लिया उन पर एहसान करके और शॉपिंग करने के बाद कहते ना भरोसा नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है और भरोसा तो हुआ नहीं था तो काम किया नहीं और अपनी दुकानदारी में मगन था सेफ सोफ के जीवन से पहले मैंने कई सारे काम किए सर की बस एक बात लगी अच्छी कि बहुत सारे काम किए मैं 2005 से कर रहे बिजली की के फैक्ट्री में नौकरी किया मोम की फैक्ट्री में नौकरी किया कई सारे काम किए जीवन नहीं बदला और पिताजी बहुत मेहनत करते थे बहुत सारी मेहनत करते थे कुछ लेकिन कुछ होता नहीं था घर चल नहीं पा रहा था मेरी माँ आज इस मंच पर मौजूद है मेरी माँ ने मैंने देखा है स्ट्रगल करते हुए संघर्ष करते हुए बताना चाहूंगा पुरानी बातें मेरी मां पापड़ बेल करके बत्तियां बेच, बेच करके रुई वाली फूल वाली बत्तियां बेच करके हम लोग को पाली पोसी है किसी तरह से गोदी में खिलाती थी खाना भी बनाती थी पापा की बातें भी सुनती थी पापा थोड़ा सा गुस्से टाइप के थे लेकिन बहुत दिल के बहुत अच्छे थे और किसी तरह से जीवन व्यतीत कर रह, चल रहा था घर का दुकान से उतनी कमाई होती नहीं थी बस पापा मेहनत तो किए जा रहे थे मेहनत किए जा रहे थे लेकिन घर नहीं चल पा रहा था फिर बहना थोड़ी सी बड़ी हुई तो वो घर की जिम्मेदारी को संभालने के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स की और ब्यूटी पार्लर चला का, का काम करने लगी लोगों ने काफ़ी बोला जब वो काम करती थी जाती थी थी कैसा काम करती है और वो घर चलाने लग गई माँ और बहन मिलकर के और पिताजी मिलकर के लेकिन फिर बाद में मेरे भाई साहब ने जिम्मेदारी ली घर की भाई साहब घर को चलाने के लिए उन्होंने सातवीं क्लास सही घर दुकानदारी को चलाने लगे पिताजी बीमार रहा करते थे पापा से हो नहीं पाता था तो मेरे भाई साहब ने जिम्मेदारी ली और वो दुकान पर को चलाया करते थे बिजली की दुकान पिताजी के साथ मैं क्या करता था मैं फुल टाइम बेरोजगार था फुल टाइम बेरोजगार था कुछ करता नहीं था घर का सबसे नकारा आदमी था सबसे छोटा और सबसे खोटा था घर वालों की नजर में सबसे छोटा और सबसे खोटा था घर वाले मेरे से परेशान रहते थे यह पढ़ाई नहीं करता है यह कुछ नहीं करता है परेशान होकर के घर वाले ने राजस्थान भेज दिया पढ़ाई करने के लिए मैं वहां पढ़ाई करने लग गया और वहां दिन पढ़ता था लेकिन वहां से भी फिर बिहार आ गया और ये सारा चीज चल रहा था चल रहा था मैं भाई साहब उन्होंने बहुत मेरा सहयोग किया हर पग पर कॉपरेट किया और घर चलाए और मेरे बड़े भाई साहब जो हमारे पिता तुल्य हैं उन्होंने तो जीवन का सबसे बड़ा कंप्रोमाइज किया अपने साथ उन्होंने बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया अपने जीवन में मैं वो बता नहीं सकता लेकिन उन्होंने घर की गरीबी को देख करके बहुत बड़ा जीवन में कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने अपने साथ कि मेरे भाई का जीवन अच्छा रहे मेरे परिवार अच्छा से चलता रहे और उन्होंने बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं आज उनके आशीर्वाद से उनके इस बात से उन्होंने पग पग में मेरा साथ दिया। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं उनको भी धन्यवाद करता हूं तो मेरे भाई साहब ने बहुत कोऑपरेट किया जब किसी चीज की जरूरत होती थी उन्होंने कभी मना नहीं किया ना नहीं किया हमेशा हाँ हो जाएगा अंशु कर लो ये कर लो कभी भी मेरे परिवार वालों ने मना नहीं किया और मैं अपना जीवन रॉयल की तरह जीता था घर में कोई काम से मतलब नहीं घर का नकारा लड़का था मेरे भाई कमा ही रहे थे मैं अपना मौज मस्ती कर रहा था इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था कभी घूमता था कभी फिरता था काम नहीं करता था सारे लोग बोलते थे ये फालतू का लड़का है अनसुआ लोग बोलते थे लेकिन बाद में जिम्मेदारी जब समझ में आई 2005 में कुछ काम करने की सोचा तो मैंने भी जिम्मेदारी ली और काम करने का निर्णय लिया मैं दिल्ली चला गया नौकरी किया कई सारे काम करने के बाद कहते हैं ना जब दिल से मेहनत करो तो वरदान के रूप में मिल ही जाता है मैंने कई सारे काम किए 2015 में ये शॉप मेरे जीवन में एक बहार बन बन के आया 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 और बहार बन करके आया ही आया। साथ मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आया साथियों बस शॉपिंग करने के बाद भरोसा नहीं हुआ काम तो किया नहीं लेकिन कहते हैं ना हम किसी चीज को नहीं चाहते लेकिन हम कुछ बिजनेस में आते हैं वो चाहते हैं कि आप कुछ करो यशियन नो मैं जब बिजनेस में आया ज्वाइन किया मुझे भरोसा नहीं हुआ था मैं काम नहीं कर रहा था मैं बिजनेस को छोड़ दिया था लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे नहीं छोड़ा था इस बिजनेस का संस्कार है आप बिजनेस को छोड़ देते हैं, लेकिन आपका अपलाइन कभी नहीं छोड़ता वो लगातार मुझे फॉलोअप करते गए कि अंशु करो जीवन बदल जाएगा अंशु करो जीवन बदल जाएगा मैं उनकी बात को यकीन नहीं करता था मानता नहीं था उनकी बात को फोन भी आता था फोन कट कर देता था उनका फोन शुक्रवार को रविवार को जरूर आता था मेरे मोबाइल पे लेकिन मैं कई बार फोन नहीं उठाता था, था और यह चक्र चलता रहा चार महीना पांच महीना का दौर चलता रहा चलता रहा एक दिन जो मेरे जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट आया 12 नवंबर 2015 वो सच मेरे दुकान पर आए और उन्होंने कहा इतने दिन तू मेरी बात को नहीं माने आज मेरी बात को मान लेना कल एक बेगूसराय में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है उस प्रोग्राम को देख लो और उस प्रोग्राम को देखने के बाद अगर बिजनेस समझ में आए तो करना नहीं तो नहीं मत करना उस समय मुझे भरोसा नहीं हुआ लेकिन रात को साढ़े नौ दस बज रहे थे वो छोटा भाई समझ के कि मुझे बड़ा बुरा भला बोले भी क्या तुम्हारा जीवन है देख लो तुम मैं जब बिजनेस कर रहा हूं आज मेरे पास कोई कमी है क्या आज लेख डेढ़ लाख की कमाई है तीन दुकान का मालिक हूं जब मैं ही बिजनेस को कर रहा हूं तो तुम, तुम क्यों क्यों नहीं कर रहे हो तुम्हें तो पागलों की तरह करना चाहिए तो मुझे लगा बिल्कुल बात तो सही बोल रहे हैं लेकिन आप कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता आप की तीन दुकान है आपका एक पहचान है मेरी पहचान कुछ नहीं है मेरा कोई सोशल बैकग्राउंड नहीं है मैं अंदर से सोचता था लेकिन बाद बोले कि कोई बात नहीं है तुम्हारा सोशल बैकग्राउंड नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें भरोसा है तो तुम इस काम को कर सकते हो चलो कोई बात नहीं कल इस प्रोग्राम को तुम सिर्फ देख लो इस प्रोग्राम को देखने के बाद तुम्हें लगता है तो करना नहीं तो मत करना आज के बाद में कभी नहीं बोलूंगा बोले ठीक है सर तो सर एंट्री पास निकाले बोले तो ये डेढ़ का एंट्री पास है लाओ डेढ़ सौ रुपया कल आना प्रोग्राम में और मुझे वो दिन याद है मेरे जेब में सौ रुपए थे रात के पौने दस बज रहे थे और मैं इनको बोले सर भैया सौ ही रुपया है तो ये फिर बड़ा बुरा बुला बोले जो छोटे भाई बड़े भाई की तरह छोटे भाई समझ करके इन्होंने कहा देख लो तुम्हारी क्या औकात है तुम्हारी क्या स्थिति है तुम्हारी औकात इस मुटिया से भी बदतर है लेबर से भी बदतर है बोले कैसे सर आज वो कमा करके उसके जेब में पांच सौ रुपए होंगे चार सौ होंगे लेकिन सुबह से शाम तक तुम दुकानदारी कर रहे हो तुम्हारे जेब में मात्र सौ रुपये ही है तुम्हें तो इस बिजनेस को पागलों की तरह करना चाहिए कल आ जाओ बिजनेस समझ में आता है तो करना नहीं तो मत करना पागलों की तरह करोगे अगर कल मेरी बात को मान लो फिर मैं कहा ठीक है सर लेकिन मैं आ तो जाऊंगा दुकान की शटर बोलती है भैया कहां जा रहे हो कल तू कल चला जाएगा तो मुझे कौन उठाएगा दुकान की शटर पीछे से बोलती है क्या बात है तू कल चला जाएगा तो मुझे कौन उठाएगा तो दुकान मना करने लग गई पीछे देखा सर दुकान बोल रही है कैसे होगा बोले एक दिन एक दिन इस दुकान को एक दिन के लिए इस दुकान को डाइवोर्स दे देना डाइवोर्स क्या दे देना तलाक दे देना और उसके बाद तुम्हें जो डिसीज लेना लेना एक दिन दुकान को तुम छुट्टी ले लो एक दुकान से माफी मांग लो हाथ जोड़ लो इस दुकान से एक दिन के लिए सिर्फ बोले ठीक है सर और वो दिन 12 नवंबर 2015 का था सुबह उठा तैयार हुआ फिर सर का फोन आया आ रहे हो न मतलब बिल्कुल सर आ रहा हूं अब तो आना ही पड़ेगा क्योंकि सर को पता था दुकान फिर बोलेगी आ जाओ आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा तो सर फिर से दुकान के समय पर फोन कर दिए मुझे कि आ रहा हो ना, आ रहा हूं ना बिल्कुल सर और मैं उस प्रोग्राम को देखने गया और मजे की बात बताऊं सौ रुपया दिया था सर को बोले पचास रुपया कल लेते आना बोले ठीक है पचास रुपया कल लेते आना बोले ठीक है सर घर से मम्मी से लेकर के आना मां से कहीं से भी लेकर हमको नहीं पता बोले ठीक है सर और प्रोग्राम में पहुंचा सब लोग देख रहा था साइड सूट टाई में थे हम बोले हां नेटवर्किंग में यही होता है टाई पहन करके टाई गला में फंसा करके लोग वो फंसाते हैं यही तो होता है यही सब हंसी मजाक मन में बातें चल रही थी बहुत सारी चल रही थी हंस रहा था अंदर अंदर और सर की ड्यूटी लगी थी नाश्ते के डब्बे पर हम बोले सौ रुपया दिए नाश्ता तो कर ले नाश्ता तो कर ले और सर की ड्यूटी डब्बे पर लगी थी बोले सर डब्बा ला पचास रुपया पहले हम ये क्या बात है हमले सर पचास रुपया खराब लगा उस समय सर सबके सामने पचास रुपया मांग रहे हैं। क्या बात है मन में सोचा क्या बात है जो आदमी क्योंकि सर की दुकान से मेरे दुकान में माल और प्रोडक्ट आता था और दस हजार बीस हजार हमेशा बाकी रहता था कभी वो तगादा नहीं करते थे कभी फोन भी नहीं किए कि अंशु पैसा भेजो हमले आज ये व्यक्ति पचास रुपया क्यों मांग रहा है उस समय तो बहुत खराब लगा लेकिन बात कहते हैं ना शुरुआत में बात समझ में नहीं आती है बाद में समझ में आती है शुरुआत में बच्चों को पढ़ना समझ में नहीं आता है बाद में समझ में आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं यस या नो शुरुआत में किसी की बात समझ में नहीं आती है तो शुरुआत में इस बिजनेस में भी जो व्यक्ति बिजनेस में लाता है ना अपलाइन की बात समझ में नहीं आती है खराब लगती है मिर्ची की तरह तीखी लगती है नीम की तरह कड़वी लगती है लेकिन बाद में कहते हैं ना नीम जो शुरुआत में कड़वा होता है बाद में फायदा वही करता है यस या नो तो मैंने सोचा कि पचास रुपया मांग रहे हैं क्या बात है तो कुछ दिन बाद समझ में आई जानना चाहेंगे क्या क्या समझ में आई कि जहां लगे धन वहां लगे मन जहां लगे धन वहां लगे मन और जहां लगे मन वहीं से आए धन वहीं से आए धन Thank you. तो मन लगाने के लिए क्या करना पड़ता है धन लगाना पड़ता है और जहां मन लग गया वहां धन ऑटोमेटिक आ गया क्यों बोलते हैं बच्चे को माँ बाप मन लगा के पढ़ो बेटा मन लगा के काम करो क्योंकि पता है बड़े बुजुर्ग को पता है मन लगाओ धन ऑटोमेटिक आएगा मन लगाओ धन ऑटोमेटिक आएगा इसीलिए कहता है सिर्फ सब डायरेक्ट दिल से डायरेक्ट मन से करो अपने आप धन आएगा अपने आप धन आएगा तो बात समझ में बाद में आई और साथियों उस प्रोग्राम को मैंने देखा और प्रोग्राम को शुरुआत हुई प्रोग्राम का आगाज हुआ और प्रोग्राम के आगाज होने में ही बहुत कहते हैं ना बहुत जबरदस्त धांसू एंट्री हुई एक व्यक्ति का आगमन हो रहा था और लोग उनको फूल माला बुके से स्वागत कर रहे थे सम्मान कर रहे थे और मैं देखा कि इतना बड़ा सम्मान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा क्या खास बात है इस व्यक्ति में क्या है और साथियों जब उनका सम्मान देखा जब उनकी बातें को सुना मैंने और ये जो आज पल है जो पल आज मैंने महसूस किया वो पल में प्रोजेक्टर पे पर्दे पर देख रहा था उनका डायमंड का सेलिब्रेशन और मैं कोने में खड़ा होकर के उस प्रोग्राम को देख रहा था प्रोजेक्टर पर और कलेजा कहां पर रहा था रो रहा था अंदर से कितना बड़ा सम्मान मिलता है कितना बड़ा बढ़िया बिजनेस है धीरे 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 समझ में आ रही थी बात और फिर सर प्रोग्राम में आए सर का आगमन हुआ साथियों और वो आज बहुत सौभाग्य की बात है कि वो शख्स आज इस हॉल में मौजूद है आज मेरे प्रेरणा शोक आज मेरे जीवन में जो भी कुछ बदलाव आया है आज उनकी वजह से आया है मैं चाहूंगा मैं जब उनका नाम लू तो जोरदार ताली क्योंकि मेरा जीवन आज उनकी वजह से उनकी बातों की वजह से बदला है मैं जब उनका नाम लू तो जोरदार तालियों के साथ के साथ उनका स्वागत करेंगे आर नाउ महागुरु आवर मरकरी लीडर मिस्टर अविनाश कुमार जी थैंक यू सर का आगमन हुआ सर आए सर का पूरा प्रोग्राम देखा मैंने सर की बातों को सुना लगा कि सर इतने बड़े पद पर होने के बावजूद ये काम कर रहे हैं छियासठ हजार सत्तर सड़सठ हजार की का वेतन है हिंदुस्तान का सबसे बड़ी रेलवे की नौकरी कर रहे हैं के पद पर हैं जब ये काम कर रहे हैं अंशु तू पागल कुत्ता काटा है क्या तू क्यों नहीं करता इनको तो कोई जरूरत भी नहीं थी जिस नौकरी को पाने के लिए लोग पागलों की तरह बौख रहे हैं घूम रहे हैं वो व्यक्ति आज इस बिजनेस में काम करके डायमंड बना है बन सकता है कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो तुम्हें तो पागलों की तरह करना चाहिए साथियों वो प्रोग्राम मैंने देखा और उस प्रोग्राम को देखने के बाद

क्यों? क्योंकि कहते हैं इंसान कोई काम नहीं करता इंसान के औकात नहीं है वो कुछ कर सकता है अपने आप से इंसान को वो काम करवाता है उसकी कसम उसका कमिटमेंट उसका संकल्प वही इंसान का बॉस होता है अगर आपके पास कमिटमेंट है आपके पास कसम है और आपके पास ये इरादा पक्का इरादा है तो वो इरादा ही आपसे काम करवा सकता है और मैंने उस दिन अपने स्वर्गवासी पिता की कसम खाई कि मैं इस काम को करके रहूंगा और जीवन भर करता रहूंगा जब तक सांस रहेगी जब तक सेब सब करता रहूंगा करता रहूंगा और वो दिन है साथियों और आज का दिन है वो तारीख है तेरह नवंबर 2015 मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था साथियों उस प्रोग्राम को देखने के बाद मुठ्ठी बांध देने के बाद मैंने काम करने की शुरुआत कर दी और काम करने की जब शुरुआत की मेरा दिमाग बदला था मेरी सोच बदली थी लेकिन बाहर के लोग तो वही थे यस या नो मैं बाहर लोगों को गया और लोगों को बताया कि प्रा बिजनेस बहुत बड़ा है करना चाहिए लेकिन लोग लोग तो वही थे समाज के लोग क्या करते हैं पिन लेकर के बैठे रहते हैं कहते हैं ना वो टांग खींचने में लगे रहते हैं नहीं हो सकता मजाक उड़ाने में लगे हुए थे साथियों लोग मेरा मजाक उड़ाते थे फालतू का काम कर रहा है बढ़िया से दुकान चला रहा दुकान में बैठ ये फालतू का काम है टोपी पहनाने का काम है साड़ी सूट का धंधा करने लगा अंशु ये फालतू का काम क्यों कर रहे हो इतना बढ़िया दुकान मेन रोड रोड की दुकान है उस दुकान को चलाओ और काम जीवन करो चलाओ अपना नहीं तो कोई नौकरी कर लो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे मजाक उड़ाने लगे लेकिन उस प्रोग्राम को देखने के बाद कसम खा लिया था मैंने इस काम को करने का और जब लगा कि काम तो हो नहीं रहा है काफी समय बीत गया छः महीना बीत गया सात महीना बीत गया मैं अंदर से डिमोटिवेट होने लग गया मेरे से हो नहीं रहा है सर कर रहे हैं मेरे से ये नहीं हो रहा है मैं ये काम को कैसे करूं लेकिन मैं इस काम को करने का छोड़ने का निर्णय भी नहीं ले सकता क्योंकि मैंने अपने स्वर्गवासी पिता की कसम खा ली है और इस काम को मुझे करना मजबूरी हो गई मैं लगातार चलता रहा वही कसम के साथ वही संकल्प के साथ लगातार चलता रहा लगातार चलता रहा बीच में दिक्कत परेशानी आई काफी सारी दिक्कत परेशानी आई और आनी जरूरी भी है अगर दिक्कत परेशानी नहीं आएगी तो काम कैसे होगा शुरुआत में जब लोगों को प्लान दिखाता था लोग प्लान तो देख लेते थे साथियों लेकिन जुड़ते नहीं थे क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं लोग प्लान देखते थे और पैसा दस हजार निकालना कोई नहीं चाहते थे क्योंकि लोग 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 पैसे वाले कोई पैसा देते हैं यस या है नो प्लान प्लान देखते थे बहुत अच्छा है प्लान, देखेंगे सोचेंगे और लोग जुड़ते नहीं थे साथियों लेकिन मैं लोग जुड़े नहीं जुड़े मैं जुड़े रहा मेरे ने एक बात कही थी कि तुम घबराना मत लोग जुड़े या नहीं जुड़े तुम जुड़े रहना लोग डीडी दे या नहीं दे तुम लगातार चलते रहना चलते रहना एक दिन तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा कारोबार खड़ा होगा और मैं लगातार चलते रहा लगातार चलते रहा साथियों अपलाइन की बात को माना सिस्टम को फॉलो किया और लगातार चलते रहा साथियों लगातार चलते ते रहने के कारण से छह सात महीने बीत गए और सात लोगों की टीम बना पाया मात्र सात लोगों को बिजनेस में ला पाया साथियों फिर इस काम को करने की शुरुआत मैंने दूसरे शहर में की क्योंकि एक प्रोग्राम मैंने देखा था राजगीर में जाकर के एक ट्रेनिंग को अटेंड करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था और सर ने एक बात कही थी मैं मेरे में अंदर एक बात थी जब मैं किसी भी ट्रेनिंग को सेशन को अटेंड करता था वहां से सिर्फ एक बात लेकर के आता था एक विचार को ही लेकर के आता था बहुत सारी बात गुरुदेव के मुखारबिंद से निकलता था लेकिन मैं कोई एक बात लेकर के आता था क्योंकि कहते हैं आप बहुत सारी चीज़ को एक साथ नहीं संभाल सकते लेकिन एक बात को तो संभाल सकते हैं और एक विचार लेकर के आता था तो राजगीर में एक ट्रेनिंग चल रही थी तो सर बोले कि प्रदेश जो होता है ना गुरु के समान होता है यह बिजनेस जो है अपने शहर में नहीं चलता है बाहर चलता है तो मैंने सोचा यार सही सर मेरे लिए हमको ही बोल रहे हैं और राजगीर में जब इस बात को सुना मैंने उसी दिन निर्णय लिया कि शहर को मैं बिजनेस से बेगूसराय से बाहर करूंगा यहां मेरी बात लोग नहीं सुन रहे सर ने सही कहा मेरे लिए कहा है और मैंने उस दिन निर्णय लिया इस काम को करने का और बाहर शहर से निकल करके काम करने का मैं सिल्वर लेवल पे सिल्वर स्टार लेवल पे ही बेगूसराय छोड़ने का निर्णय ले लिया साथियों और निर्णय लेने के कारण से और जब निर्णय ले लिया कि इस काम को करना ही है और बेगूसराय से बाहर करना है लेकिन कहते हैं निर्णय जब आप ले लेते हैं और बहुत बड़ा जब निर्णय ले लेते हैं तो बहुत बड़ा परेशानी भी आप परेशानी भी आपके साथ जरूर आएगी क्योंकि अवसर और समस्या दोनों साथ चलती है कहते हैं जीवन में अगर अपॉर्चुनिटी आप आपके साथ पास आएगी तो समस्या जरूर आएगी दोनों एक दूसरे के साथ है जिस तरह से दिन हुआ है आज तो रात जरूर आएगी ठीक उसी तरह से अगर आपके पास कोई अवसर आता है तो परेशानी जरूर आएगी निश्चित आएगी निश्चित कि आज इस हॉल में बहुत सारे लोग आए अपने प्रुण, इस प्रोग्राम को देखने के लिए उनके साथ भी परेशानी आई अवसर भी था परेशानी भी थी कि नी एग्जाम चल रहा था जो लोग छूट गए वो छूट वहीं के वहीं रह गए लेकिन जो इस परेशानियों से बच करके इस हॉल में आ गए उनका दिमाग बदल गया यस या नो यस या नो तो मैं निर्णय लिया कि शहर से बाहर करने का काम और इसी बीच क्या हुआ कि घर वालों का विरोध कहाँ जा रहा है कहाँ बाहर काम कर रहा है कहीं नहीं जाना है यहीं रहना है क्योंकि मेरी शादी हो गई थी और मैंने शादी ये सोच के किया था कि बाहर काम करूंगा तो माँ बूढ़ी माँ घर में अकेले रहेगी मैं कैसे बाहर जाऊंगा तो मैंने सोच करके एक शादी करने का निर्णय ले लिया और साथियों शादी चार दिसंबर 2015 को मेरा मेरी शादी हुई और शादी करने के कुछ दिन के बाद पंद्रह दिन के बाद मैं शहर से बाहर इस काम को करने का लगातार चल पड़ा साथियों निकल पड़ा और निकल पड़ा और कसम खा करके संकल्प लेकर के इस शहर से काम करूंगा और जब शहर जब कहते हैं ना जब कोई आप काम करने मिशन, मिशन पे निकलते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ हो जाते हैं तो आज हमारे गुरुदेव इस मिशन में इस इस प्लानिंग प्र, प्र, में सर का सहयोग मिला मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार ताली बजाएं हमारे मरकरी लीडर मिस्टर संजीव कुमार सर के लिए जोरदार ताली थैंक यू मैं सर से जब बाहर गया इस काम को करने की मुंगेर शुरुआत किया और सर से सलाह लेकर के मशोरा लेकर के सर मेरे साथ मुंगेर आए सर प्रोग्राम को वहाँ शहर को देखे समझे और उन्हें एक बात कही कि अंशु जी अब आर्मी समझते हैं आर्मी हाँ बिल्कुल सेना की जहाँ ड्यूटी लगती है ना वहाँ पर वो तंबू गार लेता है तो आपको इस शहर में तंबू गारना होगा इस शहर में रहना होगा तब तो बड़ा काम हो सकता है और मैंने उस शहर में रहने का निर्णय उसी दिन ठान लिया था और वहीं पर एक रूम लेकर के मैंने कामकाज की शुरुआत कर दी सिल्वर स्टार लेवल पे ही और कामकाज करने की शुरुआत कर दी और सर ने एक बात कही थी कि अंशु जी आप ये नहीं समझा मुंगेर में हो बेगूसराय से मुंगेर बगल में है लेकिन आप ये समझ लेना कि आप अंडमान निकोबार में हो दूर हो घर पास में नहीं है आप ये सब समझ करके काम करेंगे तभी काम हो पाएगा अन्यथा नहीं होगा और मैंने सर की बात को गांठ बांध ली और मैं उस शहर में रह करके लगातार रह करके काम करता चला गया काम करता चला गया और और सर ने एक बात और कही थी जब किसी लोकल जब नया शहर में जाते हैं तो उस शहर को समझने में तीन महीने का वक्त लग जाता है छह महीने का वक्त लग जाता है परेशान नहीं होगा हे वे पैसेंस पैसेंस के साथ लगातार चलते रहिएगा और मैं पैसेंस के साथ लगातार उस शहर में काम करता चला गया काम करता चला गया लोग जुड़े नहीं विरोध पूरा पूरा का पूरा विरोध होता चला गया होता चला गया उस शहर से भी जब उस शहर में गया था काम करने के लिए उसी समय नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज पे एक गाइडलाइन आई गई थी और बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां बंद हो गई थी जिससे कई सारे लोगों का पैसा ब्लॉक हो गया था तो जब मैं लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान लेके जाता था तो लोग आग बबूला हो जाते थे लोग आग बबूला हो जाते थे ये आ गया फिर एक चोर आ गया ये इस तरह का काम लेकर के आया है क्योंकि उनके पैसे कई सारे फंसे हुए पड़े थे जब कहते हैं कि जब किसी के घाव पर अगर नमक डाला जाए तो जलन होगी कि नहीं होगी तकलीफ होगी कि नहीं होगी तो लोग इस तरह का लोग भर्सन गलत तरीके से लोग बोलते थे विरोध करते थे और लोग घर से धक्का मार करके बाहर निकाल देते थे लेकिन मैं हर बात का कहते हैं दो पहलू होता है मैं बोला इस शहर में सबसे ज्यादा बीमारी है बोले यहां काम नहीं चलेगा इस शहर में कितनी कंपनियां आई कितनी गई बहुत सारी कंपनियां आई यहां पर चली गई कोई नहीं टिका मतलब इस शहर में सबसे ज्यादा बीमारी है यहाँ पर दो ही चीज चलती है बंदूक चलती है या सिगरेट चलता है तीसरा कुछ नहीं चलता यहां पर शहर में, में सबसे ज्यादा बीमारी है इसी शहर में मुझे ईश्वर ने 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 भेजा 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 है 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 ऊपर वाले मेरे मेरे गुरु अपलाइन इसी शहर में मुझे बढ़िया डॉक्टर है हूँ जहाँ बीमारी है जहाँ पर ज्यादा वायरस फैला हुआ है इसीलिए बढ़िया डॉक्टर हूं मैं इस शहर की बीमारी को इस गंदगी को मैं ठीक करके रहूंगा और इस शहर में रह कर ठीक करूंगा इस शहर में रह करके ठीक करूंगा मैंने उस दिन कसम खाई लोग कहे चले जाओ लोग धक्का मार मार कर बाहर घर भेजने के लिए तैयार थे उस शहर के लोग लेकिन मैं नहीं गया मैं ढीट था मैं ढीट था मैं जिद्दी था क्योंकि मुझे इतिहास लिखना था और इतिहास जिद्दी लोग ही लिख पाते हैं ढीट लोग ही लिख पाते हैं या नो तो मैं ढीट था उस शहर में टिका रहा लगातार टिका रहा मेरे घर से फोन आता था माँ बोलती थी बेटा कब आएगा बेटा कब आएगा मैं मां को डांट देता था मां डर से बोलती नहीं थी माँ बोलती नहीं थी पत्नी को बोल फोन करती थी कब आएंगे ये नहीं बोलती थी डर से कि बोलेंगे तो गुस्सा करेंगे लेकिन उनका भी पूरा सहयोग मिला कभी फोन नहीं करती थी कभी कोई दिक्कत परेशानी होती थी फोन नहीं करती थी उनका भी कॉपरेट रहता था और मैं लगातार उस शहर में रह करके लगातार काम करता चला गया काम करता चला गया काम करता चला गया कहते ना कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है हमारे माधव महागुरु जी बोलते हैं कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है वहां ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है और कर्म में करता चला गया अपने कर्म पे भरोसा रखता चला गया और आज वो दिन देखने को, देखने को मिला साथियों थैंक यू और मेहनत कर्म मेहनत अपने कर्मों पर भरोसा रख करके लगातार उस शहर में काम करता चला गया काम करता चला गया साथियों जिसका परिणाम आज आपके सामने में है। लोग कहते हैं लोग जुड़ते नहीं है काम होता नहीं है नेटवर्किंग चलता नहीं है बिल्कुल नेटवर्किंग चलता नहीं है काम होता नहीं है कुछ भी चलता नहीं है चलाना पड़ता है ट्रेन चलती नहीं है उसे चलाना पड़ता है उसे चलाना पड़ता है प्रकृति चलती नहीं है उसे चलाना पड़ता है कुछ भी चलाना पड़ता है नेटवर्किंग भी नहीं चलती होती नहीं करना पड़ता है हर काम को करना पड़ता है क्योंकि हम मनुष्य में हैं हमें कुछ करेंगे तभी कुछ होगा बिना किए कुछ नहीं होता और लगातार करते रहने से सफलता एक दिन जरूर मिलती है साथियों और लगातार करता चला गया लगातार करता चला गया साथियों दस दो लोग कैसे आज जुड़ेंगे पता नहीं था लेकिन दो की टीम बनी बीस की टीम बनी बीस लोग को जोड़ने में अतक मेहनत प्रयास किया तो छह महीने सात महीने आठ महीने का वक्त लग गया उस शहर में जोड़ने के लिए उस शहर में लोग बीस लोगों को समझाने में कितने महीने लग गए मुझे पता नहीं लेकिन आज बीस लोग की भी टीम बनी उस समय बीस से दो सौ हुई दो सौ से दो हजार हुई आज बताते हैं बड़ी खुशी होती है बड़ी फक्र से कहता हूं आज साढ़े बारह हजार लोगों का नेटवर्क हो चुका है साढ़े बारह हजार लोगों का नेटवर्क थैंक यू थैंक यू अचीवमेंट तो कई सारे हैं साथियों जब इस बिजनेस से पहले ढाई हजार की नौकरी करने वाला व्यक्ति आज लाखों रुपए महीने कमाने की बात करता है अचीवमेंट तो कई सारे हैं इस बिजनेस की वजह से शुरुआत में जब बिजनेस में ज्वाइन किया था कई सारे कर्ज थे कई सारे लोन थे और ढाई लाख का लोन तक कर्ज था और उस कर्ज को पूरा किया और एक सपना था इस बिजनेस में कर, काम करने का एक कारण भी था कि बेगूसराय में कई दिनों से हम लोग रहते थे लेकिन एक टुकड़ा जमीन का भी नहीं परचेज कर पाए कई सारे हमारे दोस्त यार थे जिन्होंने घर बनाया मकान बनाया मैं मैं सोचता था मेरा अपना कब खुद का घर होगा नहीं हो सकता अंशु तेरे दुकान से तो नहीं हो सकता लेकिन थैंक्स थैंक्स हमारे अपलाइन थैंक्स हमारे महागुरु जी जिनकी वजह से आज बेगूसराय शहर में आज एक प्लॉट भी मैंने परचेज किया साथियों जो मेरा पहला टारगेट था मेरा पहला सपना था कि जमीन खरीद करके इस शहर में जरूर रहूंगा और आज जिनकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया साथियों आज मैं उस मंच पर अगर उनका नाम नहीं लूं उनको मैं सजदा नहीं करूं तो आज मेरा डायमंड मतलब अधूरा रह जाएगा आज मेरा जीवन बदला है ये मेरा जीवन नहीं है साथियों आज मैं जो भी कुछ भी हूं आज उनकी वजह से हूं साथियों आज उन्होंने पग पग पर मेरा साथ दिया उठना सिखाया बोलना सिखाया चलना सिखाया एक माँ बाप की से भी बढ़कर के उन्होंने हर पल पे मेरा साथ दिया हर पल पर पे मुझे डांटा पटकारा एक पुत्र की तरह मुझे डांटा एक भाई छोटे भाई की तरह उन्हें डांटा आज उनकी अगर डांट अगर उनकी अगर मैं बुरा मान जाता लोग बुरा मान जाते हैं छोटी छोटी बातों पर लेकिन आज उनकी डांट उनकी आशीर्वाद की वजह से आज ये जीवन बदला है साथ आज मैं जो भी कुछ भी हूं मैं आज उनकी वजह से हूं साथी हूं आज उनकी बात की मानने की वजह से हूं मेरा ये आज मेरा डायमंड हुआ है तो उनकी सिर्फ बात को मानने की वजह से आज मैं उनका इस मंच पर अगर नाम नहीं लूं तो मेरी डायमंड से अधूरी हो जाएगी साथियों मैं, और मैं आप सभी लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जब मैं उनका नाम लूं तो एक जोरदार ताली जरूर बजाएं उनके एक मीठी सी ताली मैं नाम लेना चाहूंगा ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर राजकुमार सर थैंक यू आज सर मैं आपको को मेरे और मेरा पूरा परिवार झुककर सजदा करता है सर आज मेरा जीवन आपने बदल दिया बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर क्योंकि आज ये नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं होता साथियों पक्का नहीं होता आज अगर इन्हों की डांट नहीं मिलती आज इनकी फटकार नहीं मिलती तो मैं यहां नहीं होता आज इनका अगर मेरे पास अंदर डर नहीं रहता क्योंकि 2011 में पिता का साया छूट गया था मेरे हाथों से जब मैं नौकरी कर रहा था मोम की फैक्ट्री में अंतिम दर्शन भी मैं उनसे नहीं कर पाया था मैं नौकरी कर रहा था और खबर आई कि पिताजी चले गए गार्जियन स्वरूप थे फिर मेरे भाई साहब ने वो बाहर रहते थे उन्होंने जिम्मेदारी ली लेकिन ये बेगूसराय में रह करके गार्जियन का रोल अदा किया इन्होंने हर तरह से मदद किया हर तरह से चाहे तन से हो चाहे मन से हो हर तरह से इन्होंने मदद किया आज इनकी मदद करने की वजह से आज इनको आज इन्होंने अपना मान लेने की वजह से इनकी बात को मान लिया मैंने आज इनके वजह से आज ये जीवन मिल पाया है साथियों आज ये जीवन बस यही मैसेज देना चाहता हूं जो भी आज व्यक्ति अगर आप किसी को दिल से मान लेंगे वो आपको बना देगा बना देगा आपको आपके जीवन को बना देगा मैंने इनको दिल से मान लिया आज मेरा पूरा परिवार इनका ही नहीं है साथियों आज कहते लोग अपने मोबाइल में वॉलपेपर पे अपने बेटे की फोटो लगाते हैं भगवान की लगाते हैं अपने इष्ट देवता कुल देवता की लगाते हैं मैं किसी की नहीं लगाता मैं तो सिर्फ अपने गुरु राजकुमार सर लगाता हूं। और जीवन भर लगाता रहूंगा जीवन भर कभी मेरे मोबाइल में अगर फोटो भी होगा तो इन्हीं का होगा मेरे बेटे के मोबाइल में मेरे बेटे के मेरे किसी भी चीज में अगर फोटो होगा तो इन्हीं के होगा इन्हीं के इन्हीं का फोटो होगा क्योंकि आज जो भी जीवन मेरा बदला है इन्हीं वजह से बदला है है, का जीवन नहीं सकता। और माँ बाप का कर्ज तो जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता इसी तरह से इस हमारे गुरु राजकुमार सर का भी जीवन भर कर्ज नहीं चुकाया जा सकता साथियों आज कहते किसी भी कामयाबी में कुछ लोगों का भी साथ होता है सब लोगों का साथ होता है एक व्यक्ति का भी नहीं होता आज मेरी कामयाबी में आज हमारे एक और महागुरु जी गुरु जी बैठे हैं सहूंगा सर के लिए एक जोरदार ताली बजाएं सर के लिए जोरदार ताली थैंक यू आज सर का भी पग पग पे साथ मिला मैं जब बिजनेस में आया था सर सिल्वर लेवल पे थे काफी सर कॉपरेट करते थे हर तरह से कॉपरेट करते थे समझाते थे अंशु जी ऐसे करिए अंशु जी ऐसे करिए अंशु जी नहीं नहीं करिए जब हर तरह से वो कॉपरेट करते थे मदद करते थे और पग पग में साथ देते थे कहते हैं लोग फिजिकली अगर आप साथ दे रहे हैं तो वो साथ नहीं देते ये मेंटली हमेशा हमको कॉपरेट करते थे मैं इनको वॉच करता था इनकी बातों को मैं बार बार बारीकी से सुनता था देखता था ट्रेनिंग में सेमिनार में इनको मैं वॉच करता था देखता था क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं एक बार की बात याद है संजीव सर भी थे उस एक पार्टी चल रही थी टाउनशिप में तो मैं सिल्वर लेवल पे ही था सर ने कहा मैं सर को सर कोर ट्रेनिंग करानी है सर कोर ट्रेनिंग मुंगेर में बोले करिए क्या बात है आप कर सकते हैं अंशु जी कर सकते हैं हम बोले अच्छा अपना पल्ला झाड़ रहे हैं सर हम सिल्वर लेवल पर हम को ट्रेनिंग करेंगे सर कर सकते हैं सर को समय नहीं मिला लेकिन सर को मैं उस समय मैंने कहा ना उस समय खराब लगी बात लेकिन सर का मैं आज मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं सर ने उस दिन अगर बात नहीं कहती तो मैं आज उस दिन को ट्रेनिंग नहीं करता देता और मैं को ट्रेनिंग देता रह गया चलता रहा और वही कारवा उस को ट्रेनिंग की वजह से मुंगेर में शुरुआत किया को ट्रेनिंग और आज को ट्रेनिंग का लगातार जज करता चला गया करता चला गया जिसकी वजह से आज उस शहर में हजारों का नेटवर्क खड़ा होता हो गया सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे बेगूसराय के मेंटर गुरु गुरुओं के गुरु आज जिनकी वजह से आज मेरा जीवन बदला है मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली बजाए। मिस्टर राजेश कुमार सर के लिए एक जोरदार ताली थैंक यू शुरुआत में जब मैं बिजनेस किया था तो लोग जुड़ते नहीं थे मैं कई सारी समस्या सर के सामने में रखता था ये पिता स्वरूप गार्जियन स्वरूप ये बताते थे समझाते थे बड़ी शालीनता से समझाते थे और मैं एक बात कहा सर कोई समय नहीं देता मिलता ही नहीं है लोग मेरे पे भरोसा नहीं करते लोग जुड़ते ही नहीं है और उस समय सर भी राजकुमार सर भी बहुत व्यस्त रहते थे वो समय ही नहीं मिलता सर अपलाइन का तो सर ने एक बात कही थी जाना चाहेंगे कि कि सर ने एक बात यही कही थी कि अंशु जी संघर्ष में इंसान हमेशा अपने आप को अकेला पाता है संघर्ष में इंसान हमेशा अपने आप को अकेला पाता है और मुश्किल में बहुत सारे और सफलताओं में बहुत सारे लोग उसके साथ हो जाते हैं आते के बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं सर आज आपकी बात सही हो गई सर आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं सर कोटि कोटि धन्यवाद आज 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 सर सर की बात सच सच होती है आज सच हो गई सर। आज मेरा जीवन बदल गया सर आप लोगों की वजह से आज फ्रंट लाइन पे जितने भी हमारे गुरुदेव बैठे हैं सारे की बातों को मान करके आज इनके आशीर्वाद से ये चाहते थे कि डायमंड बने अंशु अंशु अग्रवाल डायमंड बने इनकी एक जिद थी आज इनकी जिद की वजह से इनकी स... आस्था है हमारे पर विश्वास की वजह से आज मैं डायमंड बनाऊं मैं अपनी बदौलत डायमंड नहीं बनाऊं साथियों मैं अपनी बदौलत डायमंड नहीं बनाऊं आज मैं हमारे सारे गुरुओं को गुरुओं को अब मैं फिर से झुक करके सजदा करना चाहूंगा सर आप लोगों का कोटि कोटि धन थैंक यू साथियों बस एक ही बात कहना चाहूंगा साथियों मैं कुछ लोगों को लग रहा हूं मैं डिंग हाँ रहा हूं कुछ नहीं डिंग हाँ रहा हूं ये डायमंड सिप मेरी नहीं है ये डायमंड सिप आपकी है भले ही मुझे ताज बनाया गया हो ये आप इसके साक्षी बने हैं बस एक ही बात है एक ही मैंने काम किया कुछ नहीं किया अपलाइन को मान लिया अपलाइन की बातों को मान लिया कोर की दोनों को कर लिया अपना और उनकी बातों को मान लेने की वजह से आज मेरा जीवन बदला है साथियों सिर्फ श्रद्धा से काम किया दिल से काम किया जो अपलाइन बोले उसको दिल में लगा लिया और उसको करता चला गया करता चला गया कुछ खास नहीं किया नहीं और मेरे अपलाइन ने एक बात और कही थी बिजनेस होता नहीं है बिल्कुल नहीं, नहीं होता है मतलब करना नहीं होता है बिजनेस सिर्फ एक काम करना इस बिजनेस को दिल से करना और लोगों से बेहतर से बेहतर रिश्ते बनाए रखना रिश्ते बना लेना बिजनेस अपने आप बन जाएगा मैंने यही काम किया लोगों से अच्छे रिलेशन बनाता चला गया करता चला गया लोगों से बेहतर रिलेशन बनाता चला गया लोगों से बेहतर तालमेल बनाता चला गया लोगों से मिलता रहा लोगों से बातचीत करते रहा जिसकी वजह से आज इस ये ताज मुझे मिला है साथियों ये मुझे ताज मिला है साथियों तो और साथियों अचीवमेंट्स की अगर बात करूं कि इस बिजनेस से पहले दस से पंद्रह हजार महीना कमा रहा था किसी तरह से जीवन चल रहा था आज इस बिज़नेस की शुरुआत मैंने किया तो काफ़ी सारे अचीवमेंट तो मिले ही लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा था मैंने बताया ही बेगूसराय शहर में मैंने एक प्लॉट परचेज किया उसके बाद कई सारे छोटे मोटे अचीवमेंट पूरे किए और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जब मेरी शादी हुई थी ना मेरी शादी बड़ी यूनिक हुई थी मेरी शादी चार दिसंबर दो को हुई थी और मेरी शादी का कार्ड नहीं छपा था लेकिन बाराती सात आए थे किसी को बुलाया नहीं था मैंने बड़ी यूनिक शादी थी और सात सौ लोगों ने भोज किया था उसमें और हमारे गुरुदेव बीमार भी, भी पड़ गए थे शादी में और शादी का खर्च उस दूल्हे पर जो खर्च होता है ना उस दूल्हे पर शादी के खर्च में आठ हजार कितने था आठ हजार मात्र सूट किसी का कपड़ा दिया हुआ था खाली सिलाई सिलाई अपनी लगी थी तीन हजार रुपया की सिलाई लगी थी मात्र ढाई से तीन हजार रुपया की शेरवानी किसी की मांग कर रुपये पहनी थी मात्र आठ हजार रुपया उस दूल्हे पे खर्च किया गया था आठ हजार रुपया और शादी में दो रिंग खरीदी थी, थी मैंने रिंग सेरेमनी के लिए एक मेरी एक मेरी वाइफ के लिए लेकिन लगा कि मेरी औकात नहीं है शादी के बाद वो रिंग मैंने सुनार को वापस कराई भैया मैं नहीं ले सकता मैं इसके पैसे नहीं चुका सकता कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों और उस समय पैसे नहीं थे लेकिन आज भी मंच है आज लड़का वही है दुल्हन भी वही है आज भी इस दूल्हे के शादी में आज जाना चाहेंगे कितने खर्च हुए पता ही होगा आप लोगों को यस नो आज 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 कलाइयों पे अंगूठ सोने की अंगूठियां हैं आज कलाइयों पे घड़ी है आज जूता भी है जै जूता भी है सोलह हजार का है आज जूता भी पहन रखा हु सोलह हजार का पहन रखा हूं समय आठ हजार में पूरे तन में कपड़ा चला गया था साथियों जूता भी सोलह हजार का पहन रखा हूं साथियों आज अचीवमेंट कई सारे अचीवमेंट है बहुत सारे अचीवमेंट है कई सारे गाड़ी भी लिया इस बिजनेस से साइकिल की औकात नहीं थी इस साले की साइकिल की औकात याद है सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल से चलता था सेकंड हैंड मोटरसाइकिल से सर बोलते थे कार लीजिए कार लीजिए हमले सर कार क्या करेंगे कार हम आपको भी नहीं चलाने लेकिन सर बार बार बोलते कि कार लेना है कार लेना है और एक सपना बनाया है कार का और कार भी इस बिजनेस से सारे आठ लाख की टॉप मॉडल कार आज हमारे घर में है आज हमारे घर में है ये बहुत बड़ी बात है साथियों बहुत बड़ी बात है थैंक यू हेलो थैंक यू कार छोटी मोटी बात लग रही होगी लेकिन साथियों आपके लिए छोटी मोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए किसी हेलीकॉप्टर से भी कम नहीं है क्योंकि आज जिस दिन कार आई थी ना 18 फरवरी दो को तो मैं लगा ये मेरी कार है क्या मैं छू रहा था ये मेरी कार है ये मेरी कार है हाँ बोले बिल्कुल मेरी कार है और भरोसा बाद में दो तीन दिन बीच जाने के बाद भरोसा हुआ यहां मेरी एक कार है साथियों आज जब मैं बिजनेस में काम करने से पहले मैं वाइफ को एक अंगूठी भी नहीं दे पाया था लेकिन आज इसी बिजनेस की वजह से आज वाइफ पहनी हुई है तो लाखों का जेवर पहनी हुई है साथियों लाखों का जेवर पहनी हुई आज इसी बिजनेस की वजह से साथियों और साथियों कई सारे अचीवमेंट है और इसी बिजनेस की मैं आज ऐलान करता हूं इस मंच पर इस मंदिर में आज इसी बिजनेस की वजह से आज बेगूसराय में सोचा था कि अपना जमीन हो छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो छोटी सी कुटिया हो लेकिन आज ऐलान करता हूं गुरुदेव के सामने में इसी 2021 तो में यह लड़का 40 लाख का फ्लैट खरीदने जा रहा है 40 लाख का फ्लैट खरीदने जा रहा है 40 लाख जिंदगी थैंक यू साथियों आज 40 लाख का फ्लैट खरीदने का सपना एक मामूली सा लड़का मोबाइल दुकान चलाने वाला ढाई हजार की नौकरी करने वाला लड़का आज 40 लाख का मकान खरीदने की बात करता है मेरी औकात से क्या नो no! मेरी औकात से नहीं मैं नहीं कर सकता मेरी औकात नहीं है चालीस लाख की का मकान खरीदने की आठ लाख की कार से चलने का लाखों का जेवर खरीदने का औकात तो सेफ -सोप के अंदर है इसके, क्योंकि मैं मैं इससे जुड़ गया हूं मैं इसको पकड़ लिया हूं और हमारे गुरुओं का पैर चरण पकड़ लिया हूं ये और ये दोनों मिल करके मुझे वहां तक तो पहुंचाई देंगे जब यहां तक पहुंचा सकते हैं तो वहां तक भी पहुंचा देंगे वहां तक ही पहुंचा देंगे पता नहीं को नेटवर्किंग के सेफ के नाम से से नाम चिड़ हो जाती है चीर हो जाती है है। कि फालतू का काम अरे फालतू का काम तो है ही फालतू का काम करके ही आपका जीवन पालतू हो सकता है जंगली काम करके तो जीवन जंगली हो सकता है जंगली हो सकता है जंगली हो, हो, हो सकता है यही फालतू का काम करके हम पालतू बन सकते हैं और खास बन सकते हैं साथियों आज अब ये जीवन बदला है तो ये फालतू के काम करने से ही बदला है आज यहाँ से फंसने से ही हुआ है ये सारा कुछ क्रेडिट पता नहीं लोग कंपनी लोग काम करते हैं करते हैं छोड़ के चले जाते हैं क्यों इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला आज मैं लगातार चलता रहा लगातार चलता रहा अपने टीम के साथ अपने अपलाइन के साथ अपने सिस्टम के साथ जिसकी वजह से आज जीवन बदला है साथियों आज मैं आप लोगों को एक बात यही मैसेज देना चाहूंगा सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा साथियों बस इस बिजनेस को करना या नहीं करना लेकिन इस बिजनेस कोई भी काम करो तो दिल से करना दिल से करना दिल से करना दिल से करना और दिल से किया गया कार्य बड़ा 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 परिणाम 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 देता 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 है देता है देता है थैंक यू लेकिन लोग क्या करते हैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगा देते हैं क्या लगा देते हैं दिमाग जहां थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया काम खराब सिर्फ मैंने इस काम को दिल से किया और अप्लाइंट को दिल से माना और मानते रहने की वजह से आज ये सारा कुछ हो पाया और सेबसोप को साथ का चोली दमन का साथ बनाए रखा सेमस को कभी छोड़ा नहीं कभी भी किसी भी बहुत सारे ऑप्शन आए लोग बोले कि आपकी कंपनी है ये देती है ये देती है करोड़ों का इनकम नहीं देती है हमने बोला ठीक है भैया आपकी कंपनी बहुत बढ़िया आपको आपकी कंपनी मुबारक मेरे को मेरी कंपनी मुबारक मैंने एक ही बात कहा उनसे कि आपकी शादी हो गई बोले हाँ बोले शादी मेरी भी हो गई एक मिनट सर तो बस एक ही बात कही आप भी शादी शुदा भी शादी माना कि आपकी पत्नी बहुत है सुंदर है लंबी है बहुत मानती है मेरी भी, भी छोटी है नाटी है काली है लेकिन क्या बदल सकते हैं क्या छोड़ सकते हैं क्या बोले ना तो मेरी भी सेब मेरी लुगाई है आपको आपकी लुगाई मुबारक को मेरे को मेरी की लुगाई मुबारक मेरे को सेब की लुगाई मुबारक और मैं लगातार इस से से चलता चलता रहा रहा जिसकी वजह आज ये जीवन बदला है

आज मैंने साढ़े बारह हजार लोगों का प्यार कमाया विश्वास कमाया आज ये सम्मान कमाया ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है थैंक यू। आज मैंने ये लोग कमाए लोगों का प्यार कमाया साथियों सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है और इस यही बात करके अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा साथियों बस अंत में एक बात और कहना चाहूंगा आज आप अपने में से समय निकाल आज परिवार जीवन नहीं रहेगा और बस, एक ही बात है, आज बना हूं। बस ये भले डायमंड का पट्टा दस ग्राम का था बीस ग्राम का होगा लेकिन साथियों डायमंड का पट्टा दस ग्राम का नहीं था साढ़े बारह हजार ग्राम का था ये साढ़े बारह हजार ग्राम का पट्टा था आज उनका विश्वास आज डायमंड प्लान जो बना है वही बना सकता है आज कमिटमेंट करता हूं मेरा जीवन जब तक सांस रहेगी एक ही काम रहेगा घर में घुस का डायमंड बनाऊंगा घुस का डायमंड बनाऊंगा डायमंड बनाऊंगा डायमंड बनाऊंगा के डायमंड बनाऊंगा डायमंड बनाऊंगा मेरा साथ देंगे अब मेरा साथ देंगे अब मेरा साथ देंगे मैं गुरु के सामने मैं वचन देता हूं मेरी सांस जब तक जब तक सिर्फ सोप रहेगी और मेरी प्यारी सी टीम और सिर्फ परिवार रहेगा मैं उनके बीच में रहूंगा मेरा परिवार बाद में मेरा सिर्फ परिवार पहले मेरा सिर्फ परिवार पहले मेरा सिर्फ परिवार पहले बोलिए जय हो सिर्फ परिवार की जय हो